हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद अचीप लेवल मोबाइल रिपेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एंड ISO 9001 टू 2015। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फोन फिक्स हैदराबाद। जैसे कि फ्रेंड्स, हर बार आपके लिए कुछ ना कुछ एक नया वीडियो यहां पे हम चैनल पर लेकर आते हैं। तो आज हमारे पास फ्रेंड्स एक आईफोन 7 है जो कि हाफ शॉट है, लीकेज है, और जहां पे हम बैटरी कनेक्टर पे इसकी कूल टेस्टिंग करते हैं तो दोनों साइड में आपको इसकी वैल्यू सेम मिलेगी। बोथ साइड, रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस में दोनों में आपको वैल्यू सेम मिलेगी। इसके अलावा किसी से स्विचिंग करते हैं तो वहां पे आपको हाई एम्पियर डायरेक्टली लिफ्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे सॉल्व किया है इस वीडियो में पूरा हमने बताया है। बेसिकली जब हम डीसी से कनेक्ट करते हैं, जब हम रोजन लगाकर कोई ना कोई एक आईसी हिट होता है, तो बेसिकली जो टेक्नीशियन भाई है वो आईसी को डायरेक्टली रिमूव कर देते हैं। उसके बाद भी वो वहां पे हीटिंग रहती है, वो शॉर्टिंग जाती नहीं है। तो इस वीडियो में हमने वो बताया है आपको कि कैसे आपको सॉल्व करना है अगर से कोई आईसी हीट हो रहा है और उसे चेंज करने के बाद वापस से वहां पे हीटिंग आ जाती है या तो फिर शॉर्टिंग प्रॉब्लम सेम रहती है, तो कैसे सॉल्व करना है इस वीडियो में हमने पूरा बताया। तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए, बिल्कुल इसकी पत करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभी इसमें बैटरी कनेक्टर पे रीडिंग शो कर रहा है 470, ओके, एंड फॉरवर्ड में 400 सेम रीडिंग शो कर रहा है। वो मोटा है इसका काल डिस्प्ले है। अभी जो इसको कनेक्ट करेंगे डीसी पावर सप्लाई को, जब डीसी को कनेक्ट करते सीधा है एम्पियर लिफ्ट कर रहा है, इसका मतलब है ये शॉर्टिंग में थोड़ा हुआ है, ठीक है, ओके, दिख रहा है। अभी इसमें शॉर्टिंग हटाएंगे, ऑलरेडी कोई इसको सब जगह हीट मार दिया, सीपीयू का टीन निकाल दिया, और ये पीछे वाला कवर के नीचे देखेंगे इसके अंदर तो टीन ही दिख रहा है, ठीक है, और ये वाला भी हटा लेंगे अपन क्योंकि इसके नीचे भी हो सकता है। अगर
तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे एक क्यूफिट लगा हुआ है जो कि एक मोसफेट है और यहाँ पे अभी हमको हीटिंग हो रही है और साथ ही साथ यहाँ पे एक कैप हीट हो रहा है। तो चलिए देखते हैं, अगर कोई भी आईसी आप कोई भी हैंडसेट में जब शॉर्टिंग होती है इस तरह से आप उसे फाइंड आउट करते हैं तो कहीं पे भी आईसी हीट होती है या कोई कंपोनेंट हीट होता है तो हमको ये नहीं समझना है कि उसी के अंदर शॉर्टिंग है। हो सकता है कि उसकी आउटपुट की लाइन में भी कभी शॉर्टिंग हो सकती है या कोई कंपोनेंट शॉर्ट हो सकता है जिसका लोड जो है आईसी के ऊपर पड़ेगा, इस वजह से ये आईसी हीट होती है। तो यहाँ पे मैं आपको डायग्राम में बताना चाहूंगा आईफोन 7 का। यहाँ पे मेरे पास ZXW में मैंने डायग्राम खोल लिया है और यहाँ पे जब हम बैटरी कनेक्टर पे यहाँ पे हम डीसी से वोल्ट दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये वाला आईसी हमारा क्यूफिट जो कि Q2101 एक मोसफेट है, ये वाला एक ओवीपी टाइप मोसफेट है और यहाँ पे ये आईसी गर्म हो रहा है। तो हम देखते हैं आगे इसके आउटपुट में क्या कंपोनेंट लगे हैं, थोड़ा सा बताना चाहूंगा मैं। तो आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो ये जो लाल कलर की लाइनें सारी दिख रही है आपको ये इसके आउटपुट में है। तो हम देखते हैं अभी जो हम देखेंगे यहाँ पे जो वोल्टेज हम इंजेक्ट करेंगे इसके आउटपुट की लाइन में इंजेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हीटिंग हो रही है। तो ये इसका एक डायग्राम भी मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़ा सा वो डायग्राम खोलिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये Q2101 एक मोसफेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इनपुट और आउटपुट में PPVDD मेन ये वाली सप्लाई यहाँ पे दी गई है। तो इसके आउटपुट में देखेंगे और अगर इनपुट में देखेंगे आप PP बैटरी VCC जो कि बैटरी का VCC मेन वोल्टेज होता है ये इनपुट में है और आउटपुट में आपको VDD मेन लाइन है। तो यहाँ पे ये IC जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं या तो DC से कनेक्ट कर रहे हैं तो ये वाला IC यहाँ पे हीट हो रहा है। तो इसके आउटपुट लाइन में जो कॉम्पोनेंट लगे हैं उसको चेक करते हैं, उस पर वोल्टेज देते हैं और चेक करते हैं कहाँ पे हमारा शॉर्टिंग है या क्या कंपोनेंट वहां पे शॉर्ट है। तो चलिए यहाँ पे हैंडसेट हमारे पास है जैसा कि आप देख सकते हैं आईफोन 7 जो कि अभी फुल शॉर्ट में पड़ा हुआ है। चलिए चेक करते हैं इसको कौन सा कंपोनेंट लगा रहे हैं। मैं अभी इसका नीचे वाले पे भी लगा सकता हूँ 3525 C3525 जो है इसके आउटपुट में लगा हुआ है एक कैप जो कि पैरेलल में है। तो चलिए ये आईसी के जस्ट बगल में लगा हुआ है जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अभी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे और देखते हैं दिख रहा नहीं वाला ये ना। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही मैंने वोल्टेज इंजेक्ट किया तो यहाँ पे ये वाला कैप हमारा हीट हो रहा है। तो पहले भी ये हीट हो रहा था लेकिन साथ ही साथ आईसी भी हीट हो रही थी। जब हमने इस आईसी के आउटपुट वाले कैप में वोल्टेज को इंजेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाला कैप हमारा शॉर्ट हो रहा है। चलिए इसको बाहर निकालते हैं और निकाल के चेक करते हैं कि ये कैप हमारा शॉर्ट है कि नहीं है। तो ये एक आपको वीडियो में बता रहे हैं फ्रेंड्स के कैसे आपको एक शॉर्ट फुल शॉर्ट हैंडसेट को रिपेयर करना है। तो फ्रेंड जैसा आप देख सकते हैं यहाँ से हमने एक कैपेसिटर को रिमूव कर लिया है और मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कैपेसिटर हमने निकाल लिया है। ये देखिए जैसा आप देख सकते हैं अभी मैं इसको लाइव चेक करके भी बता दूंगा आपको। ये देखिए मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखना है और कैपेसिटर को चेक करेंगे और देखते हैं कि ये यहाँ पे बजर देता है कि नहीं देता है। जैसा कि आप फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे ये कैपेसिटर हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो ये कैपेसिटर की वजह से हमारा क्यूफेट जो आईसी है वो हीट हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे हम हैंडसेट को ऑन करते हैं और ऑन करके चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट ऑन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वही वाला बोर्ड है हमारा। चलिए इसका डिस्प्ले भी लगा लेते हैं और लगा के चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट प्रॉपरली ऑन होता है कि नहीं होता है। तो फ्रेंड्स ये फ़ोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से आपके लिए एक सोल्यूशन है। जैसा कि आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं सर सोल्यूशंस की वीडियो डालिए और फुल शॉर्ट सेट आपके पास आते हैं या डेड हैंडसेट आते हैं तो आप उसको रिपेयर कर नहीं पाते हैं, मुश्किल होता है। तो इसके बहुत ही ज़्यादा टेक्निक्स है, बहुत सारे ट्रिक्स हैं जो कि आपको इंस्टीट्यूट में हम बताएंगे। ये एक आपको हम सोल्यूशन बता रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले हमने लगा लिया है
तो यहाँ पे आप देखें फ्रेंड्स, इसमें डायरेक्ट हाई एम्पियर ले रहा था जब हम इसे डीसी से कनेक्ट कर रहे थे। तो यहाँ पे हमने देखा एक आईसी अंदर गर्म हो रही थी और उसके बाद डिस्प्ले अच्छा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये हैंडसेट हमारा ऑन हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं यह हैंडसेट ऑन हो रहा है और पूरा ऑन होने देते हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ एक स्टूडेंट है जो कि नेपाल से है। थोड़ा अपना नाम बताइए। तिलक चौधरी। नेपाल से कहाँ से आप? कुछ एरिया लमजिन से। ठीक है, चलिए। अभी जैसा कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ आईफोन 6 है आपके पास, 6S है। तो इसमें टिल्लू ये बताइए अभी क्या किया इसमें? CPU निकाले, A9 का रैम निकाले और खुद ही रिवॉल्व करके लगाए अभी। और पावर वगैरह कुछ लीकेज हुआ क्या नीचे से? कुछ नहीं हुआ ना। और वापस आप लगाए, सेट ऑन हुआ आपका? चलिए, यहाँ पे जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे एप्पल लोगो आ चुका है फर्स्ट अटेम्प्ट में इनके पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक बार जोरदार इनके लिए क्लैप्स कर दीजिए। वेरी गुड टिल्लू, अभी ये सेट ऑन हो रहा है आपका। अभी तक पहले भी आप काम कर रहे थे। CPU जो सर यहाँ पे टेक्निक बताए आपको, मलिक सर टेक्निक बताए, कैसा लगा टेक्निक आपको? बहुत अच्छा। देखिए, जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जितने स्टूडेंट यहाँ पे आईफोन में हमारे पास है, जैसा कि खुदबुद्दी ने आप भी कर लिए, अरशद है और यहाँ पे नेपाल से एक और स्टूडेंट है और यहाँ पे, तो यहाँ पे फोन फिक्स हैदराबाद में हर स्टूडेंट से CPU करा रहे कि नहीं करा रहे? भाई अरशद करा रहे ना सबसे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं ये भी अभी नेपाल से ये भी कर रहे हैं अभी, और आप भी यहाँ पे लाइव डन करे। तो तिलक कैसा लग रहा पहले में? अब CPU ऑन कर लिया लगा कि आप? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है। कोई नेपाल से या फिर इंडिया के दूसरे शहर से यहाँ पे आना चाहते हैं, उसको क्या बोलना, मैसेज देना चाहोगे? यहाँ का ट्रेनिंग के बारे में बताइए। ट्रेनिंग यहाँ का बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है। कितने दिन में हो गया आपका ये? फिफ्थ डे है अभी आज का आपका। ठीक है, तो कोई आना चाहते हैं तो उनको क्या बोलना चाहेंगे, मैसेज देना चाहेंगे? फोर्थ डे है आपका। ठीक है, चलेगा। तो नेपाल से है आप या फिर इंडिया में कोई आना चाह रहे तो यहाँ ट्रेनिंग कैसा दे रहे, थोड़ा सा बताइए। कोई नेपाल वाला आउन चाहनुहुन्छ भने आउनुस यहाँ, एकदम फीस पनि एकदमै रिजनेबल, एकदमै कम छ। जम्मा कितना बजे से कितना बजे क्लास चल रहा? 10 बजे से शाम में 8 बज रहे, 9 भी बज जा रहे कभी। ठीक है, रहने के लिए या खाने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रहा क्या आपको? नहीं, थोड़ा नेपाली में बोलिए, रहने खाने के लिए कैसा है यहाँ सुविधा? कुनै पनि टेन्सन छैन, सजिलै आउनुस। जो सोच के आए थे मिल रहा आपको? हैप्पी है कि नहीं है, सेटिस्फाई है? चलिए, थैंक यू वेरी मच तिलक। तो फ्रेंड्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, कॉल करके आप यहां पे ट्रेनिंग ले सकते हैं। फोन फिक्स हैदराबाद, जैसे कि आप देख सकते हैं आईफोन का पूरा बेसिक से लेकर CPU लेवल का यहां पे ट्रेनिंग यहां पे कराते हैं। जितने पैनिक एलर्ट्स है, फेस आईडी है, फिंगरप्रिंट है, 9 अपग्रेड हो गया या मदरबोर्ड स्वाइपिंग करना है आपको, सब कुछ यहां पे सिखाया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।